लोकार्पण अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, आप सबके इस क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री के नाते लगातार उत्तराखंड की योजनाओं को भी लगातार आगे बढ़ाने के लिए जिनका सतत प्रयास रहता है और जो लगातार सभी योजनाओं की समीक्षा भी करते हैं, हमारे भारत सरकार के मंत्री हम सब के प्रिय आदरणीय अजय भट्ट जी और इस क्षेत्र जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, वैसे तो इसका नाम है खटीमा बाईपास लेकिन ये दो विधानसभाओं में पड़ता है, नानकमता और खटीमा दोनों। तो नानकमता क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक हमारे बड़े भाई आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक रुद्रपुर श्री शिव अरोड़ा जी, श्री सुरेश गढ़िया जी, हमारे पूर्व विधायक भाई प्रेम सिंह राणा जी, प्रदेश के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के भाई विकास शर्मा जी, बहन लीलावती राणा जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर रुद्रपुर श्री कमल जिंदल जी, श्री गुंजन सुखीजा जी काशीपुर क्षेत्र के और इस पूरे प्रोजेक्ट को जिन्होंने लगातार हम लोगों के साथ मिलकर इसको आज लोकार्पण तक पहुंचाने का काम किया है, श्री एसके सिन्हा जी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री शर्मा जी एवं उनकी पूरी टीम और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सतीश गोयल जी, श्री किशोर जोशी जी और सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी दूर दूर से इस कार्यक्रम में पधारे खटीमा नानकमता एवं आसपास के क्षेत्रों से आए हुए, मैं देख रहा हूँ चंपावत बनबसा टनकपुर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं आप सभी का आज यहाँ पर सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग परियोजना के पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर पहुंचे। आज मैं बहुत जहां अंदर से प्रफुल्लित हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसा काम जिसका हम लोगों ने शुभारंभ किया था और शुरू में 2012 से जिसके लिए लगातार प्रयास किया, लगातार इसके लिए तमाम प्रकार की अड़चनें, तमाम प्रकार की बाधाएं जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हमारे समीर सिन्हा जी ने किया कि बहुत ऐसा लगता था कि ये बाईपास बनना नामुमकिन है। प्रकाश तिवारी जी भाई साहब यहां पर बैठे हैं, ये भली बात ही समझ रहे हैं कि कितना मुश्किल काम ये था। आप सबकी शुभकामनाओं से, भाई साहब अजय भट्ट जी के केंद्र में प्रयासों से और भगवान की कृपा से मैं ऐसा मानता हूं कि इस दुनिया में एक पत्ता भी इधर से उधर होता है, एक कण भी इधर से उधर होता है तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। भगवान की इच्छा से ये असंभव सा लगने वाला काम जो मैंने खटीमा क्षेत्र के विधायक के रूप में एक सपना देखा था, वो सपना आज पूर्ण हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है।
मैंने अजय भट्टी से भी कहा भाई साहब इसका उद्घाटन करना है जल्दी, और मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक अच्छा समारोह होना चाहिए, एक बार सब लोग यहाँ पर आए। बना जरूर है कि खटीक मा नानक मता दो विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन इसका लाभ जहाँ बगल में सितारगंज वालों को भी मिलने वाला है, रुद्रपुर वालों को भी मिलने वाला है, किच्छा वालों को भी मिलने वाला है, बनबसा वालों को, टनकपुर वालों को, चंपावत वालों को, लोहाघाट वालों को, पिथौरागढ़ वालों को, और यहां से लेकर धारचूला तक वाले लोगों को, जिनको भी दिल्ली जाना होता है, जिनको भी देहरादून जाना होगा, जिनको भी हरिद्वार जाना होगा, रुद्रपुर जाना होगा, मुरादाबाद जाना होगा, रामपुर जाना होगा, सबको इसका लाभ मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, जिनकी टोपी आज अजय भाई साहब ने पहन रखी है, कहां वाले, इनके ससुराल वालों को, उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है सीधे सीधे, है ना राय साहब? और राय साहब पीछे बैठे हैं, तो नेपाल वालों को भी लाभ मिलने वाला है। ना कि भारत सरकार ने और माननीय भट्टी के प्रयासों से वहां पर एक बड़ा रोड हमारा बन रहा है, जो भारत और नेपाल के बीच में हमारा रोटी बेटी का जो संबंध है उसको और प्रांगण करेगा। आज मुझे खुशी है कि जहां खटीमा बाईपास का लोकार्पण हो रहा है, वहीं गदरपुर बाईपास का भी लोकार्पण हो रहा है। अक्सर देहरादून जाते समय, काशीपुर जाते समय, हरिद्वार जाते समय आप लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और आधे से एक घंटे के बीच का समय कभी कभी लग जाता था, और अक्सर वहां गन्ने के सीजन में और धान के सीजन में अक्सर वहां जाम लगता था, और कोई भी मीटिंग होती थी जिसमें एनएचएआई के लोग होते थे, दिशा की बैठक होती थी माननीय भट्टी की अध्यक्षता में, तो मेरे ही हमेशा उत्सुकता रहती थी कि तीन काम, एक तो हमारा खटीमा का बाईपास बन जाए, और जब तक बाईपास नहीं बना था थोड़ी सी उस समय हमने चालाकी करी, आज उसका भी मैं आप सबके सामने लोकार्पण कर देता हूं। हमने कहा कि जब इसका बाईपास का पैसा पहले ही आ गया, ये पैसा 2019 में आया ना, कितने 18 में, 2018 में इस बाईपास का पैसा आ गया, लेकिन ये गोपालदा ये जमीन नहीं मिल रही, तो जमीन नहीं मिल रही थी तो हमने इनकी बैठक के लिए वहां देहरादून में बैठक करवाई, और हमने कहा वहां जमीन नहीं मिल रही है, तो राज्य सरकार ने लिख के दे दिया कि साहब इसको जो है इस पैसे को दूसरी जगह लगा दिया जाए, इन लोगों ने लिख के मांगा। तो ये जो हमारा पहनिया से खटीमा होते हुए चकरपुर तक मेरे ख्याल से लगभग 3 किलोमीटर ये है, और 6 किलोमीटर आ गया है, 9 किलोमीटर रोड, ये पूरी हॉटमिक्स हो गई, और अब ये अगर अच्छे से चलेगी तो मैं समझता हूं 20-25 साल तक कुछ नहीं होने वाला इसमें। अब जब ये बन गई तो इसके बनने के बाद फिर हमारे को ध्यान में आया कि बाईपास भी बनना चाहिए। अब लोग कहने लगे साहब बाईपास कैसे बन जाएगा, फिर ये सिन्हा जी और हमारे जो मुख्य सचिव हैं संधू साहब, वो एनएचआई के चेयरमैन थे उसे, तो उनको मैंने अप्रोच किया, मैंने कहा संधू साहब ये बाईपास बनना बहुत जरूरी है, तो बोले कि आपकी तो राज्य सरकार ने लिख के दे रखा है कि वहां नहीं बन पा रहा, जमीन नहीं है इसलिए नहीं बना दी, नई सड़क बन गई, आपका पैसा तो वहां लग गया। तो मैंने कहा भाई ये केवल सड़क खटीमा के लिए नहीं बननी है, ये बाईपास खटीमा के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए बनना है, नेपाल के लोगों के लिए बनना है। फिर से इन्होंने दोबारा से चिट्ठी हमसे मंगवाई, फिर हमने चिट्ठी लिखी कि जमीन दोबारा से हमको, हम देने के लिए तैयार हैं, दे तो थी जमीन लेकिन यहां पर फैसला नहीं हो रहा था, क्योंकि जमीन का पैसा जिनको मिलना था उनके नाम पर उसका खतरा नहीं, खतौनी नहीं है, तो कैसे सेटलमेंट होगा, बड़ा मुश्किल काम था।
लेकिन यहाँ पर जो हम लोग खटीमा को कहते हैं कि कौमी एकता का गुलदस्ता है, सब लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे पर परस्पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, और हमारे सब प्रशासन के लोग उस समय आगे आए और उन्होंने आपस में सेटलमेंट करवा दिया। उसके बाद ही ये जमीन हमको मिल पाई, और जमीन मिलने के बाद ये बाईपास बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर आ गया पुल भट्टा का पुल, वह भी जो है लंबे समय तक आधा बना फिर रुक गया, आधा बना फिर रुक गया। हर बार परेशानी हमको ही होती थी, और हम जाते थे तो मैं सोचता था जो मुझे ही परेशानी हो रही है तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। उसके लिए भी बार बार हर मीटिंग में हम लोग बोलते थे बाईपास, इन्होंने पुल भट्टा का पुल चला दिया। मैं धन्यवाद करता हूं विभाग के लोगों का, उनके प्रयासों की सराहना भी करता हूं कि उन्होंने पुल भट्टा वाला पुल चलाया। उसके बाद रह गया बाईपास गदरपुर वाला, तो मैंने कई बार अजय भट्टी से कहा, मैंने कहा भाई साहब आप बात को उठाओ यार, इसको आप उठाइए इसको। तो इन्होंने भी बड़े जोर शोर से उठाया, कभी गडकरी जी से मिले, कभी कहीं मिले, और अंततः खटीमा, पुल भट्टा और गदरपुर तीनों जो है आज चालू हो गए। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का, कि उनके उनका विशेष इसमें उत्तराखंड की धरती से है। और गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने भी जब भी हम उनसे भेंट करने गए हैं, जब भी हम कोई प्रस्ताव लेकर गए हैं, कभी भी उन्होंने हमारे किसी प्रस्ताव पर कभी उन्होंने मना नहीं करा। पिछले वर्ष हमको सीआरएफ ने भी पैसा दिया, अभी रोपे परियोजनाएं चल रही हैं जिनके बारे में आदरणीय अजय भट्ट जी ने भी बताया कि केदारनाथ का रोपे, हेमकुंड साहब का रोपे तो बहुत ही बड़ा है। गुरुदेव कहां गए हमारे बलदेव, तुम गए हो हेमकुंड? जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो बहादुर सिंह जी, कर्नल सिंह जी, राजपाल जी, ये जो है 16 किलोमीटर की यात्रा, 16 किलोमीटर की जो यात्रा है वो यात्रा कितनी कठिन होगी, कठिन यात्रा, जो अस्वस्थ है उनके लिए और कठिन। कर्नल साहब और जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनके लिए तो बेहद कठिन, 4 दिन 5 दिन लगते थे, और अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से वो यात्रा हमारी मुश्किल से 2-3 घंटों में पूरी हो जाएगी। 16 किलोमीटर की यात्रा पूर्णागिरी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में यहां पर भी जो है ये रोपवे का काम शुरू हो। पर्वतमाला योजना में अभी धनोल्टी विधानसभा और टेहरी में हमने अभी सुरकंडा देवी में वहां पर रोपवे स्टार्ट कर दिया है। हमारा प्रयास है कि जगह जगह जो भारत सरकार इस बार कार्यक्रम लेकर आई है पर्वतमाला योजना, उस पर्वतमाला योजना में हमारे उत्तराखंड को सर्वाधिक उसका लाभ मिले। उसका हेतु भी यही है कि जो हमारे जैसे राज्य हैं, हिमालय के राज्य हैं, उन सभी को लाभ होगा, उसमें हम सर्वाधिक लाभ कैसे ले पाए। तो भाइयों बहनों ऐसे अनेकों कार्य आज हो रहे हैं, हमारे बगल में ही एम्स बनने वाला है, जिसके लिए हमें अनेकों स्थानों पर जाना पड़ता है, सीट नहीं मिलती है, परेशानियां होती है, रहने का स्थान नहीं मिलता है, बसों में जाना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, फिर वहां जहां मरीज को भर्ती करवाएं और मरीज के तीमारदारों के लिए जगह नहीं मिलती। तो हमारे यहां पास में ही बड़ा संस्थान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विशेष स्नेह के कारण से हम लोगों को उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है देश में जहां पर एक नहीं अब दो दो एम्स चलेंगे, दो दो एम्स की हमको सौगात मिली है। बगल में हमको एचएमटी फैक्ट्री का जमीन हमको मिल गई है, उसमें भी हम बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं हल्द्वानी में। हल्द्वानी शहर हमारा बड़ा 2200 करोड़ की योजना हमको मिली है, उसको स्मार्ट सिटी जैसे बनाने के लिए, तमाम नए सृजन के लिए, नई अवस्थापना के लिए,
यही इतना ही नहीं, आने वाले समय में हमारा हमने जो प्रस्ताव दिया है सितारगंज से लेकर टनकपुर तक ये रोड फोर लेन होगा और पीलीभीत से खटीमा तक का जो रोड है वह भी फोर लेन होगा। और माननीय गडकरी जी ने यहीं से घोषणा करी थी कि आने वाले समय में इसी मार्ग से यही हमारा खटीमा नानकमता रुद्रपुर और टनकपुर से होता हुआ पिथौरागढ़ से जाते हुए धारचूला तक कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा भी आने वाले समय में सड़क मार्ग से की जाएगी। भाई बहनों इतनी सारी उपलब्धियां इतने सारे प्रयास लगातार राज्य के लिए हो रहे हैं, अगर मैं उनको गिनाने में रहूं तो बहुत सारे प्रयास। एक बात और मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड की धरती के साथ जो उनका विशेष लगाव है, हमने अभी जो हमारी बहनें यहां पर आई हैं जो वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स एक जनपद दो उत्पाद योजना के अंतर्गत हमारे उधम सिंह नगर में पहला है मंजू घास के उत्पाद तथा दूसरा है मेथा तेल, और आज स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्मित जो मंजू घास की टोपी है जो हमको पहनाई गई वह भी अत्यंत सुंदर है, आप सब लोगों ने देखी, मैं इनको बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारी सरकार ने यहां से हमने एक अनुरोध किया भारत की सरकार से कि जो मड़वा होता है हमारा और मिलेट 2023 को भारत सरकार के अनुरोध पर मिलेट वर्ष घोषित किया गया है पूरी दुनिया के अंदर मिलेट वर्ष के रूप में, तो हमने वहां प्रस्ताव दिया अनुरोध किया कि मड़वा हमारा पारंपरिक रूप से उपजाया जाने वाला अनाज है और एक समय में ये अनाज कभी कहते थे गरीबों का भोजन होता था, मड़वा की रोटी उन्हीं को मिलती थी जो गरीब लोग होते, फाड़ो उन्हीं को मिलता था, फाड़ो तो जानते हैं फाड़ा, वहां बोलते फाड़ू कहा गढ़वाल में, यहां बोलते हैं फाड़ू, यहां फाड़ा वहां फाड़ू। तो हमने कहा कि ये मिलेट वर्ष में मड़वा को भी जो है जो खाद्य सुरक्षा है उस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम हमारे राज्य के लिए कर दिया कि 2022-23 के लिए मड़वा को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल कर लिया है, अब सभी को मड़वा मिलेगा और मड़वा के उत्पादकों को जो है इसके उत्पादन का अवसर मिलेगा, उनका प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक प्रकार के रेट मिलेंगे और हमने गवर्नमेंट की तरफ से भी व्यवस्था करी है कोऑपरेटिव के माध्यम से मंडी के माध्यम से हम इन सब का विपणन करेंगे, इसकी खरीदारी करेंगे, एक एक दाना मड़वा का हम घर से खरीदने का काम करेंगे, ये हमने तय किया, हमारी सरकार ने तय किया। भाइयों बहनों अभी जी ट्वेंटी की दो बैठकें हमको मिली हुई और हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बैठक हमारी यहां हो जाए, एक अभी तक दोनों बैठकों का जो स्थान है वो अभी ऋषिकेश के पास आया हुआ है क्योंकि उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं और G20 ये हमारा लोकल फॉर ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया के अंदर हम जाने वाले हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत जाने वाला है, इसमें दुनिया के 20 बड़े देश जो G20 समूह के मेंबर हैं वह तो शामिल हो ही रहे हैं, 9 इनवाइटी देश कुल मिलाकर दुनिया के 29 देश और 20 वो देश जो दुनिया की जीडीपी का 85% जो गवर्न करते हैं वो शामिल होने वाले हैं, 9 इनवाइटी देश और 15 दुनिया के बड़े संस्थान उसमें भाग लेने वाले हैं। कितना बड़ा अवसर होगा, ये पहला अवसर हमारे देश के अंदर आया है कि बड़े बड़े देशों ने आज हमारी स्वीकारता उनके अंदर हो गई है, हमारे नेतृत्व की स्वीकारता हो गई है, देश की स्वीकारता हो गई है। एक समय था जब भारत बड़े बड़े मंचों पर अपनी बात बिल्कुल कर नहीं कर पाता था, अपने जो हित होते थे उन हितों की बात भी नहीं हो पाती थी,
और आज का भारत समरस भारत, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक चाहे गैस की योजना पहुंचाने का काम हो, चाहे शौचालय पहुंचाने का काम हो, चाहे भोजन पहुंचाने का काम हो, चाहे अभी कोरोना महामारी में हर किसी को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम हो, भाइयों में समरस भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत, इस भारत के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, दुनिया को दिशा देने वाला भारत, आज हर भारतवासी के मन में एक विश्वास जगाने का काम हुआ है, हर भारतवासी के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, भारत दुनिया को दिशा दे सकता है। चाहे कोई मैदान हो, हर मैदान पर, खेल का मैदान हो या कोई साइंस टेक्नोलॉजी का मैदान हो, कोई वैश्विक बात हो, हर मंच पर लोग भारत के मत की प्रतीक्षा करते हैं। खेल के मैदान पर ऐसा कोई खेल का मैदान नहीं है जहां भारत का तिरंगा न फहरता हो। भाइयों बहनों, ये नया भारत है और ऐसा भारत गढ़ने का काम लगातार हो रहा है। रक्षा के क्षेत्र में देखिए, आप रक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं, पहले घटना होती थी तो पूछते थे हम, हमारे सैनिक जवाब पूछते थे कि गोली आई है साहब, क्या करना है। गोली का जवाब पूछने के लिए हमारे सैनिक भी बड़ी संख्या में आए हैं। सैनिक कभी पूर्व नहीं होते, वो हमेशा सैनिक रहते हैं, हमेशा वर्तमान में रहते हैं। तो पूछते थे साहब, वहां से गोली आ गई, जिहादियों की गोली आ गई, आतंकवादियों की गोली आ गई है, अलगाववादियों की गोली आ गई है, दुश्मन की गोली आ गई है, इसका जवाब देना है कि नहीं देना है। महीनों लग जाते थे, जवाब नहीं आता था भाइयों बहनों, और आज गोली आती है तो पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम हमारी सेना करती है। चाहे त्वांग हो, चाहे गलवान हो, चाहे पुलवामा हो, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के बाद हमारी सेना जो शौर्य और पराक्रम के लिए हमेशा से जानी जाती रही है, पूरी दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से, बहादुर सेनाओं में से भारत की सेना रही है। लेकिन देश जब विरासत में चलता है, विरासत से अगर कुछ इस प्रकार का संदेह मिला हो तो उसके कारण से हमेशा हम सबके मन में संदेह रहता था। लेकिन गलवान की घटना ने, त्वांग की घटना ने एक ऐसा अध्याय आगे के लिए खड़ा कर दिया, एक इतिहास बना दिया कि भारत की तरफ कोई भी दुश्मन अगर आंख उठाकर भी देखेगा तो उसको निस्तनाबूत कर दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि आज ये तमाम जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का यहां पर लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए ये सारा क्रेडिट मैं इस क्षेत्र की जनता को देना चाहता हूं कि आप सबके शुभकामनाओं से, क्योंकि मैं उस समय एक विधायक के रूप में लगातार इसके लिए प्रयास करता था और सबका सहयोग लेता था, सभी का सहयोग लेता था। हमें खुशी है कि आज गोपाल सिंह राणा जी जब यहां के विधायक हैं, इसके साथ साथ शिव अरोड़ा जी भी हमारे, जो बदरपुर का बाईपास चालू हो रहा है वहां के विधायक, ये भी आ देंगे, इनके यहां से भी शुरू होता है। जैसे ये बाईपास यहां नानकमता से शुरू हो रहा है, उधर खटीमा की तरफ जा रहा है चकरपुर में, ऐसे ही इनका रुद्रपुर की तरफ से शुरू होकर वो गदरपुर की तरफ समाप्त होगा। कितना किलोमीटर? एक अच्छा खासा पार्ट इनके उसमें भी आता है। तो मैं इनको भी बहुत बधाई देता हूं भाइयों बहनों, और साथ ही साथ खटीमा क्षेत्र में हमारी अनेकों योजनाएं चल रही हैं। आज अभी भारामल की बात करता था मैं, तो बाबा भारामल में सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अभी प्रेम सिंह राणा जी वहां गए थे तो मुझे कह रहे थे, हैं? गए थे तो कह रहे थे कि बाबा जी याद कर रहे थे। आज मैं वहां भी जाना चाहता था लेकिन थोड़ा उन्होंने बताया कि प्रातः काल आप जाएंगे तो आजकल कोहरा बहुत है, तो अब आगे कार्यक्रम बनेगा, पानी की टंकियां बन रही है, तमाम पेयजल की योजनाएं आ रही है। सामने में हमारा बस अड्डा बन रहा है, बस अड्डे के साथ साथ सरकारी अस्पताल हमारा जिस तरीके से भी अपग्रेड हो, सारे फैकल्टियां यहां पर चले, सारे विभाग यहां पर चले, उसके लिए काम हो रहा है। हमारे सैनिक बंधुओं के लिए यहां पर कैंटीन का निर्माण हो चुका है, कैंटीन बन रही है,
उसके लिए धनराशि भी जारी कर दी गई है। इसी प्रकार से नमामि गंगे में कुछ घाट यहाँ के लिए स्वीकृत हुए, उन घाटों को भी बढ़ाया जाएगा, हैंडपंप है हैंडपंपों को बढ़ाया जाएगा। आज तमाम रोड है, मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी होती है। मैं बल्कि कह रहा था अपने ड्राइवर से, मैंने कहा देख भाई इतनी बढ़िया रोड यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, बुद्ध पुस्त यहाँ तक पहुंचे, कहीं दिखाई देती तुमको ऐसी रोड है? फिर मल्ला तराई की तरफ जब जाते हैं शहर की तरफ से, क्या सौंदर्यीकरण हो गया, बिल्कुल तिरंगा जैसी लाइट लगी रहती है ना गुप्ता जी। और वहां से फिर लोहिया हेड रोड को मुड़ते हैं तो पूरा वहां तक लाइट, अमाउं तरक लाइट, किसी भी तरफ निकल जाइए आज है हमारी सभी सड़कें अच्छी बन रही, भव्य बन रही है। आईटीआई यहाँ पर चालू है, पॉलिटेक्निक यहाँ चालू है, केंद्रीय विद्यालय का पैसा हमारा मिल गया है, हमारे जनजाति बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय यहाँ पर क्या रविंदर बन गया सर। अभी उस दिन हमने थाड़ू विकास भवन में जो घोषणा करी थी, आपने घोषणा करवाई थी, उसका भी आ गया। और अभी एक दीवार वगैरह बनाने के लिए जो दिया वह भी पैसा हमने अभी स्वीकृत कर दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ क्योंकि बोला मेरे को याद सब है, अब यहाँ से बोलूंगा तो आप लोग कहोगे बार बार वही बातें। तो यहाँ की सारी सड़कें हमारी अच्छी हो गई है, सारे काम हो गए हैं। हमारा ये खटीमा आने वाले समय में, खटीमा नानक मता दोनों एक ही क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा एक आदर्श क्षेत्र बने। और अब लोग कहते भी हैं कि खटीमा बहुत अच्छा बन गया, इसको और आगे ले जाना है, आगे और संवारने का काम करना है। और हमारा है डिवाइडर, अभी मैंने कहा है एनएचआई के हमारे सेना जी यहां पर बैठे हैं, सेना जी अभी कहीं पर और आवश्यकता होगी तो उन सभी को आप देखेंगे, और मैं भी बीच बीच में यहाँ के सभी निर्माण कार्यों का जो भी योजनाएं हमारी हैं उन सभी योजनाओं का बीच बीच में जो समीक्षा है वो समीक्षा मेरे स्तर पर भी होगी। आप सभी को ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं वो तेजी से चल रहे हैं। और हमने यह भी तय किया है कि जितनी भी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का केवल शिलान्यास न हो, जिन योजनाओं का शिलान्यास हो उन सभी योजनाओं का लोकार्पण हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपेक्षा करी है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और हम विकल्प रहित संकल्प को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसके लिए आज पर्यटन का क्षेत्र हो, जल विद्युत परियोजनाओं का क्षेत्र हो, या हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, चाहे हमारा औद्यानिकी का क्षेत्र हो, कीवी मिशन है, एप्पल मिशन है, उस सब पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। और मैंने खुद तय किया है कि 15-15 दिनों में मैं स्वयं इसकी समीक्षा करूंगा और सबको मिलाकर 2025 में जब हमारी राज्य का स्थापना का 25 साल पूरा होगा उस समय हम हिंदुस्तान का आदर्श राज्य उत्तराखंड को बनाने के लिए विकल्प रही संकल्प के साथ आगे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देवभूमि को आदर्श राज्य बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ, संपूर्ण प्रयासों के साथ, संपूर्ण मनोयोग के साथ हम सभी लोग यह प्रण लें कि सब लोग इसमें सहभागिता लगाएंगे, अपना योगदान देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का यह संकल्प किसी एक व्यक्ति का संकल्प नहीं है, न ही मंच पर बैठे हुए लोगों का संकल्प है। यह संकल्प उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों का संकल्प है। ये तभी गंतव्य तक पहुंचेगा जब हम सबके कंधों से कंधे मिलेंगे, कदम से कदम मिलेंगे, बातों से बातें आगे बढ़ेंगी, सबके मनोभाव से, सबके विचारों से, एक समान विचारों से, कि हमारे मन में एक ही विचार हो कि हमारा राज्य आगे बढ़ना चाहिए। कोई यहाँ का नहीं, कोई वहां का नहीं, कोई छोटी जाति का नहीं, कोई बड़ी जाति का नहीं, कोई इस जाति का नहीं, कोई उस धर्म का नहीं, सबको साथ में लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बढ़ेगा। अंत में एक बार मैं पुनः आप सभी को आज इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्य के पूरा होने की ढेरों बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम